नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा श्रम और कल्याण विभाग की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की गई है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसमें मैं केवल कल्याण विभाग पर ही अपना अधिक ध्यान दूंगा, खासकर उस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में जहाँ पर काफ़ी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, अब तक आदिवासी योजनाओं में लगभग 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यदि उस खर्च के अनुसार देखा जाए तो उसका कोई संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। यह सही है कि जो योजनाएं जिन समाज के लोगों के विकास के लिए बनाई गई है उस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए, पूरी तरह से जानने के लिए उनमें शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी योजनाएं लाभदायक होगी, इसकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो योजनाएं बनी भी उन योजनाओं के बीच में भी बिचौलियों ने ही रुकावट डाली और इन योजनाओं में जिस ढंग से लाभ मिलना चाहिए था उस ढंग से इसमें लाभ नहीं मिल पाया। पैरा, आज सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक कारगर सिद्ध करें और यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा तभी ये योजनाएं या स्कीमें आगे बढ़ेंगी और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नहीं तो ये योजनाएं सिर्फ कागज में ही दर्ज होंगी और इसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। इसमें करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च होगा लेकिन वह क्षेत्र वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कि आज है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षा के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। पैरा, आज शिक्षा की तरफ इस आंगनबाड़ी को शुरू कर दिया है। यदि इस आंगनबाड़ी पर सही ढंग से अभी से निगरानी रखी जाए तो बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो आंगनबाड़ी उनकी शिक्षा की तरफ, उनके स्वास्थ्य की तरफ और उनके वर्तमान दृष्टिकोण से जो वातावरण तैयार किया जा रहा है इसको यदि अच्छे रूप से तैयार किया गया तो यह योजनाएं लोकप्रिय कहलाएंगी। लेकिन आज इन योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शासन में जो योजनाएं चल भी रही है उसमें से जो संबंधित अधिकारी और अन्य लोग हैं वे इन योजनाओं को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। पैरा, माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं में भी आज लोगों की, ग्राम की, पंचायत की, क्षेत्र की भागीदारी होनी चाहिए लेकिन इसमें इनकी भागीदारी नहीं है। इसमें जो अधिकारी आदि होते हैं वे अपनी मनमानी से कार्य करते हैं। विराम, जो कुछ वह खरीदता है या जो भी वह कार्य वह करता है उससे वह अपनी मनमानी करता है। स्थानीय जो स्थिति है उससे यह कोई संबंध
नहीं रखता है। इस योजना के अंतर्गत इन लोगों की भी भागीदारी इसमें जुड़े, इसके लिए भी आपको हम में कुछ सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है और यदि शुरुआत में ही इस योजना को अच्छी तरह से लागू किया गया तो पिछड़े क्षेत्रों में, दूरदराज के क्षेत्रों में जो अज्ञानता वाले क्षेत्र हैं उनमें ये योजनाएं लोकप्रिय कहलाएंगी। शिक्षा के लिए आज जगह जगह पर स्कूल खोले और कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता होनी चाहिए वह वहाँ नहीं है। स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन जहाँ स्कूल हैं वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर तो स्कूल का पता ही नहीं। वहाँ पर बच्चे झाड़ के नीचे या पेड़ों के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं उन्हें सक्षम किया जाए। पैरा बहुत सी जगहों पर बच्चे हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, लेक्चरर पढ़ाने के लिए नहीं है, विषय के अनुसार ढांचा नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर एक गुरु है और उसके पास 5 कक्षाएं पढ़ाने के लिए है। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में यदि आप सुधार नहीं करते हैं तो जो भी योजनाएं आप इनकी भलाई के लिए बनाएंगे, और यह सरकार जो करोड़ों लाखों रुपया इसके लिए खर्च करेगी उससे जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। विराम नहीं तो आगे भी वही होगा, इसलिए इस समय शिक्षा की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की बात है, आज शहरों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं और लोग इसकी सहायता से अच्छी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बहुत से लोगों को इससे जीविका का साधन भी मिला हुआ है। आज आदिवासी क्षेत्रों में भी लोग अंधविश्वास, देवी देवताओं को छोड़कर आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आज आदिवासी क्षेत्रों में, दूरदराज क्षेत्रों में अस्पताल नहीं है। अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है। पैरा अध्यक्ष जी, इस दृष्टि से वृद्ध जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य की दृष्टि से प्रयास करता है, लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है, और इनकी संख्या देश में करीब 5.5 करोड़ है। मैं यह चाहूँगी कि उनके लिए कोई राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। केवल 100 रुपये वृद्धों की पेंशन देकर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। इनका जो अकेलापन है उसको व्यवसाय दे सकें, उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सकें, उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाएं तो वे मानसिक रूप से अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। विराम स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर उस शिक्षित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता है, कभी अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के उद्धार के लिए नहीं करता है, ऐसे शिक्षित व्यक्ति को मैं
देशद्रोही मानता हूँ अगर शुरू से ही इस प्रकार से संस्कार बच्चे में डाले जाएं तो ही कल्याण मंत्रालय का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है। मुझे लोगों का हित करना है, यह भावना ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार फैले इसके लिए जरूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हम चलाते हैं, उनमें इन संस्थाओं का सहयोग ज़्यादा होना चाहिए। विराम। इस भावना से हमारे मंत्रालय को काम करना चाहिए। पैरा। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगी। 55 साल पहले जब उनको आरक्षण की सुविधा दी गई तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज़्यादा नहीं चाहते हैं, हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। विराम। लेकिन उनके बाद जो योजनाएं बनाई गई, मैंने भी आदिवासी छात्रवासों का निरीक्षण किया है और देखा है कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाभ नहीं मिलेगा। वास्तविक रूप से उनके कल्याण के लिए योजनाएं नहीं बनी, अगर बनी भी तो वह कागज़ों पर ही रही, पैसा खर्च होता रहा, लेकिन उनका वास्तविक लाभ उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्तविक रूप से उत्थान हो पाता। इस साल हम बालिका वर्ष मना रहे हैं, हमें इस पर सोचना होगा। पूर्ण विराम।